हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप पीरियड मिस कर जाते हैं तो उसके क्या मीनिंग हो सकते हैं, आपके प्रेगनेंसी हो सकती है या प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकती है। अगर आपने पीरियड मिस किया है और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में दो लाइनें आ रही हैं, दैट मीन्स कि यू आर प्रेगनेंट। अगर प्रेगनेंसी प्लान्ड प्रेगनेंसी है और आप चाहते हैं प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना, तो अब आपका समय शुरू होता है कि आपके परिवार में एक नए मेंबर का वेलकम करने के लिए। एक नया मेंबर आपके परिवार में आने वाला है और आप एक नया सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। माँ बनने का सफ़र बहुत सुखद एहसास है और हमारे साथ आप इस सफ़र को बहुत अच्छे से बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकती हैं। आप देखिए, जानिए कि इन शुरू के 3 महीने में हम अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान कैसे रखें। शुरू के 3 महीने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी महिला के लिए जब प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि उसे प्रेगनेंसी के बारे में कुछ अनुभव अभी नहीं है। नए नए चेंजेस उसके शरीर में आने लगते हैं, नया नया अनुभव उसे होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन शुरू के 3 महीनों में कब डॉक्टर के पास जाना है, कौन सी जाँच आपको करानी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। चलिए जानते हैं कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो एक बार तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाइए। डॉक्टर आपकी कुछ बेसिक जांचें करवाते हैं, बेसिक आपका बॉडी चेकअप आपका करते हैं, ताकि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के सफर में वो आपका साथ दे सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर आपके कुछ आपका वेट चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर आपका चेक करते हैं, आपका नॉर्मल हेल्थ चेकअप आपका करते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। आपका हीमोग्लोबिन एक बार ज़रूर चेक होना चाहिए कि कहीं खून की कमी तो नहीं है। ब्लड ग्रुप एक बार चेक होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर बाई चांस आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव है, तो आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप चेक होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव की रिएक्शंस होती हैं जिससे बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है, तो उसके लिए पहले तैयारी की जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने को कई बार अपना थायराइड जब हम प्रेगनेंसी से पहले चेक कराते हैं तो पता चलता है कि ये नॉर्मल है, बट जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके बाद जब थायराइड का लेवल चेक किया जाता है, उसमें TSH चेक किया जाता है, तो कई बार सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म का मीनिंग होता है कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो आपके एक शरीर के लिए तो सही काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही एक दूसरा बेबी, एक दूसरा एक लाइफ अपने अंदर आती है तो थायराइड ग्लैंड पर लोड बढ़ता है। लोड बढ़ने से उसका काम करने की क्षमता उसकी इतनी नहीं है कि वो उतना थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कर पाए और TSH का वैल्यू बढ़ने लगता है। अब इसमें गलती कहाँ होती है कि नॉर्मल हम TSH का जो कट ऑफ वैल्यू जो नॉर्मल महिला में मानते हैं जो प्रेग्नेंट नहीं है, उसमें 5 का हम नॉर्मल वैल्यू मानते हैं। 5 के नीचे अगर है तो नॉर्मल है, बट प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीनों में ये कट ऑफ आ जाता है 2.5। तो हम इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखें कि 2.5 के ऊपर अगर TSH का वैल्यू आ रहा है तो ये एबनॉर्मल है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम लोग भी नहीं दे पाते, कई बार दिमाग से निकल जाती है। तो 2.5 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कट ऑफ वैल्यू। अगर आपका TSH का वैल्यू 2.5 के ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको कुछ भी थायराइड का जो लिवोथायरॉक्सिन का गोली आता है वो आपको लेना पड़ेगा। वो डोज आपके TSH की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होती है कि 25 माइक्रोग्राम लेना है, 50 लेना है, या जो भी आपका डॉक्टर आपको डिसाइड करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कि अगर आपके घर में ब्लड शुगर या डायबिटीज़ की हिस्ट्री, आपके मम्मी को या आपके नानी को, मामा को, किसी को, तो आपका ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो बच्चे पर बुरा असर हो सकता है। तो यानी कि आपको ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, TSH और ब्लड शुगर, ये बहुत बेसिक जांचें हैं जो शुरू के फर्स्ट महीने में, सेकंड महीने में, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी पता चलती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये जांचें एकदम से होना ज़रूरी है ताकि सही समय पर इलाज शुरू हो सके। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। सोनोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, पहले दूसरे महीने के अंदर। जनरली ये बिलीफ होता है कि हम तीसरे महीने के बाद सोनोग्राफी कराएंगे, लेकिन ये शुरू की जो सोनोग्राफी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 6 हफ्ते पर बच्चे की धड़कन आ जाती है। कैन यू इमेजिन कि जब आप अपने बच्चे की धड़कन देखेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने सोनोग्राफी कराई है शुरू में, जैसे 1.5 महीने पर आपको पता चला कि प्रेगनेंसी हो गई है, एक बार आप सोनोग्राफी के लिए जरूर जाइए। इस सोनोग्राफी के 2 या 3 फायदे अपन कह सकते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि अपने को प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है कि प्रेगनेंसी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पे है। आपने ये देखा होगा कि कई बार बच्चा बच्चेदानी में ना लग के ट्यूब के अंदर इस जगह पर बच्चा लग जाता है, जो एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अगर डायग्नोस होती है तो उसका क्या मैनेजमेंट है और उसको अपन कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं और कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में जरूर सुनिएगा, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है ये भी। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट अपने को पता चलता है कि बच्चे की एज अपने को पता चल जाती है कि इतना 5 वीक है, 6 वीक है, 7 वीक है, इसके हिसाब से ही आपका डिलीवरी का डेट काउंट होता है। कई बार हमारे पीरियड्स इररेगुलर होते हैं, कई बार पीरियड चढ़ के आता है महीना, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी क्या, तो अब कब डेट फिक्स नहीं होने के कारण हम एग्जैक्ट डिलीवरी का तारीख नहीं पता कर पाते। लेकिन ये सोनोग्राफी हमारी बहुत मदद करती है। 9वें महीने में 8वें महीने में जाके बच्चे की ग्रोथ अगर कई बार कम हो जाती है तो भी हमें डेट कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। ये पहली सोनोग्राफी डेट कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझेंगे कि शुरुआत की जाँचें और शुरुआत की सोनोग्राफी आगे 9 महीने तक प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए, सफर को खुशनुमा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना बेसिक हेल्थ चेकअप कराएं, बेसिक जांचें करवाएं, एक सोनोग्राफी जरूर करवाएं। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्योंकि जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं उनमें बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि नौजिया होना, यानी कि बार बार उबाके आना या उल्टी हो जाना। किसी किसी मरीज को 7-8 बार 10 बार 15 बार वॉमिटिंग्स भी हो जाती हैं, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं खा पाती। कई बार आपने कहते सुना होगा कि मुझे तो पानी भी नहीं झिलता, पानी नहीं झिलता, मीनिंग कि जैसे ही उसने पानी पिया और उसकी उल्टियाँ शुरू हो गई। इसके लिए थोड़ा सा बचाव और थोड़ी सी छोटी सी गोली की ज़रूरत होती है। खाना वही खाएं जो आपका मन करता है, दूसरों के कहे सुने से बिल्कुल कुछ ना खाएं। कोई कहता है कि इस खाने से बहुत एनर्जी आएगी, ऐसे ये होगा, उससे वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी में सारा खाना खाया जाना चाहिए, सभी अच्छा है, ताज़ा खाना होना चाहिए और फ्रेश फ्रू होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज का फूड नहीं खाना है, जिसमें केमिकल एडेड है, प्रिजर्वेटिव एडेड फूड है, वो नहीं खाना है। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं सिर्फ वही खाने हैं। आज अगर एप्पल का सीजन नहीं है और आप कोल्ड स्टोरेज की एप्पल खा रहे हैं तो आपको बिल्कुल गुण नहीं करेगी, आपको नुकसान करेगी, क्योंकि उसमें केमिकल एडेड हैं। प्रिजर्वेटिव एडेड फूड आता है, रेडीमेड ऐसा फूड आता है कि जो रेडी टू कुक आता है, वो आपको नहीं खाना है। घर का बना हुआ शुद्ध ताज़ा एकदम फ्रेश बनाया हुआ खाना ही खाना है। पानी आप बार बार पीते रहिए, हर 1-1.5 घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। पानी अगर सिंपल पानी में टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप नींबू पानी बना लीजिए, उसके शरबत बना लीजिए, आप उसका मिल्क शेक बना लीजिए, आप दही छाछ लस्सी, बहुत सारे ऑप्शन है, कोकोनट वाटर आप ले सकती हैं। तो जो आपका मन करता है वो आप लीजिए, मेरे कहने से, इसके कहने से, उसके कहने से और किसी के कहने से आप नहीं खाइए। अपने मन की सुनिए, अपने मन के हिसाब से खाइए, जो पसंद है वो खाइए। अचार, पराठा, सब्जी, मसाला, आलू का पराठा, आप सब कुछ खा सकते हैं, परहेज नहीं है। मिर्च मसाला थोड़ा कम कर दीजिए ताकि एसिडिटी ना हो। घी, तेल, नमक, मिर्च आप सब खा सकती हैं, खट्टा आप खा सकती हैं, मीठा आप खा सकती हैं। पपीता और अजवाइन हम लोग मना करते हैं शुरुआत में, क्योंकि ये इनको माना जाता है कि अबॉर्टिव पेशेंट है, यानी कि बच्चा खराब हो सकता है, इसलिए पपीता और अजवाइन नहीं लेना होता। बाकी आप सारे नॉर्मल फूड्स खा सकती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूंगी कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3-4 महीनों में लिपस्टिक ना लगाइए। लिपस्टिक लगाने से केमिकल पेट में जाते हैं, वो आपके बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। नेल पॉलिश भी ना लगाएं। ये दोनों चीज़ अगर नेल पॉलिश लगाते हैं, आप खाना बनाते हैं, तो नेल पॉलिश खाने में जा सकती है और आपको नुकसान कर सकती है, आपके बच्चे को भी नुकसान कर सकती है। तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए और अच्छा खाइए और लंबे समय तक खड़े ना रहिए। अगर आप काम करते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर बैठ जाइए, पैरों को आगे अपने टेबल पर पसार लीजिए ताकि पैरों में खून इकट्ठा ना हो और पैरों में सूजन ना आए। पैरों में अगर सूजन आती है तो आप रात को सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगा सकते हैं, जिससे कि ब्लड का ड्रेनेज हार्ट की तरफ बढ़ सके और सूजन कम हो सके। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि शुरू के 3 महीनों में आप अपना ध्यान कैसे रखेंगी
और डॉक्टर के पास हर महीने जाकर जरूर चेकअप करवाइए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से आपका हेल्थ चेकअप होता है, आपकी बीमारियों का अर्ली स्थिति में पता चल जाता है, और अगर थायराइड की प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो थायराइड की गोली जरूर खाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे की पूरी ग्रोथ थायराइड हार्मोन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बिल्कुल अवॉइड नहीं कीजिए एक फोलिक एसिड की गोली, छोटी सी गोली है लेकिन जादुई गोली है, इसको खाने से बच्चे का सिर का विकास बहुत अच्छा होता है, रीढ़ की हड्डी बहुत अच्छी बनती है, जन्मजात कोई विकार नहीं होता है, कंजेनिटल एनोमलीज बहुत बहुत कम हो जाती है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोलिक एसिड की गोली खाना। थायराइड अगर है तो थायराइड का मेडिसिन लेना। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि उल्टियां वगैरह होती तो उसकी छोटी सी गोली होती है जिनमें 2 या 3 बार खाने से आपका जी बहुत अच्छा रहेगा, मन बहुत अच्छा रहेगा, उल्टी का मन नहीं करेगा, आप अपना मनपसंद खाना खा पाएंगी। तो गोलियों लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि ये गोली खाएंगे तो ये गोली खाएंगे तो नुकसान कर जाएगी, साइड इफेक्ट करेगी, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो डॉक्टर आपको गोली लिख के देते हैं वो बहुत अच्छी होती है, वो प्रेगनेंसी में सेफ होती है, फायदा करती है, इसलिए लिख के देते हैं। दिमाग से, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि गोलियों के साइड इफेक्ट वाली गोलियां कोई डॉक्टर आपको लिख के देगा, कभी नहीं। तो आप विश्वास रखिए, अपने डॉक्टर के साथ चलिए, उनके सलाह मानिए, उनको बराबर आप चेकअप करवाइए, और जो आपको सलाह दी गई है, जो आपने इस वीडियो में सुना है, उस पर ज़रूर अमल कीजिए। मैं समझती हूँ कि इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये वीडियो, और आगे के दूसरे और अगले नए वीडियोस को सुनने के लिए जयपुर दूरबीन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसका आगे नोटिफिकेशन रिमाइंडर मिलता रहे। बने रहिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।